हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं सौरव राणा सरस्वती एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जैसे कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, उसकी हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आया है? डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया है आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका सी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर इज ए ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन आंसर इज नन ऑफ दिस। 54 इज द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन आंसर वाज बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज योर्स क्वेश्चन नंबर 9 to 13। 9 to 13 में एक्चुअली डायग्राम कैसे बनेगा आपका? ये डायग्राम बनेगा आपका। ये आपका क्या है? सोशल साइंस। ये मैथमेटिक्स और ये आपके लिए है साइंस। अब आपका यहाँ पे 62, ये 21, ये 48, ये 15 है और ये आपका 167। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? हाउ मैनी फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, इसका आंसर आएगा आपका 15। नेक्स्ट हाउ मैनी फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? वो या तो साइंस प्लस मैथ में पास हुआ है, सेकेंड मैथ प्लस सोशल साइंस में पास हुआ है, या सोशल साइंस प्लस साइंस में पास हुआ है, राइट? हाउ मैनी फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली, तो 25, 15 और 21, इसका आंसर क्या आएगा? 61, राइट? हाउ मैनी पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि मैथ के साथ में वो एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुआ है, इसका मतलब क्या? आपका मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस सोशल साइंस और मैथ प्लस सोशल साइंस प्लस साइंस। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका? 167 वो बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए हैं, 21 वो बच्चे हैं आपके जो किस में पास हुए हैं? मैथ में और सोशल साइंस में, और 15 है जो मैथ में और साइंस में, राइट? तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? 203 बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका पूछता है वो हाउ मैनी फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स ओनली। टू सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं? टू सब्जेक्ट में का मतलब क्या आपका? सिक्सटी टू प्लस 48 प्लस 52, ये कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, राइट? और उसका आंसर क्या आएगा? 162। नेक्स्ट आपका पूछता है हाउ मैनी पास्ड एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट का मतलब क्या आपका? कि वो अगर हम एट लीस्ट वन सब्जेक्ट के लिए
जिनमें वो जो बच्चे तीनों में फेल हुए हैं वो उन बच्चों को टोटल में से माइनस कर दे तो आपके पास क्या आएगा, 390, राइट। और वो बच्चे कौन से हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बेसिकली माई से स्टार्ट करना है ऑलवेज। कहाँ से स्टार्ट करोगे, माई। और माई किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड। तो आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, अमर से। और अमर की क्या है, आपको पहले मदर बनानी है, उनका फादर, माई मदर्स फादर, राइट। उनका ओनली सन यही है, ओनली सन, और ओनली सन। और ये कौन है, हर मदर्स ब्रदर, मतलब हर किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए, हर मदर्स ब्रदर। ये कौन है, हर मदर्स ब्रदर, राइट। ये गर्ल आ गई, और ये किस जनरेशन में है, सेम जनरेशन में। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, नेवर। क्या आया, नेवर। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन, बोथ मंडे एंड थर्सडे। 17th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 19th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और जैसा मैंने आपको कहा है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, माई फादर। तो कहाँ से स्टार्टिंग करोगे, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, तो एक्स के फादर की बात करेंगे यहाँ पे। किसकी बात करेंगे, एक्स के फादर से स्टार्टिंग करेंगे, और वो आपने उसके अकॉर्डिंग मीट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट ऑप्शन, टू मैन एंड वन वुमेन बोर्ड अ बस इन विच फाइव सीट्स आर वैकेंट, वन ऑफ दीज फाइव सीट्स इज रिजर्व्ड फॉर लेडीज, ए वुमेन मे और मे नॉट सिट ऑन दी सीट्स रिजर्व फॉर लेडीज, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फाइव सीट्स बी ऑक्यूपाइड बाई दीज पैसेंजर्स। बेसिकली क्या आपके पास, यहाँ पे आपके फाइव सीट्स, राइट। अब आपका केस फर्स्ट क्या हो सकता है, केस फर्स्ट में है कि जो लेडी है वो कहाँ पे बैठी है, रिजर्व सीट पे, रिजर्व सीट पे। और केस सेकंड क्या ले सकते हो आप, कि जो लेडीज है वो कहाँ पे बैठी है, अदर सीट्स देन रिजर्व, राइट। अब आपका यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या होगा, लेडी रिजर्व सीट पे बैठी है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे दो पर्सन है, राइट, दो पर्सन कितनी सीटों पे बैठ सकते हैं, चार पे। तो पहला जो पर्सन है वो चार तरीके से बैठ सकता है, और दूसरा तीन तरीके से, तो 12 आया। और सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में आपका क्या रहेगा, कि अगर जो महिला है वो रिजर्व सीट पे नहीं बैठी, तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए कितनी सीटें बची, चार, और जो नेक्स्ट मैन है उसके लिए तीन, और नेक्स्ट के लिए दो, चार थी 12 × 24। तो इसका आंसर क्या है, 24 + 12 बराबर है 36। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर क्या है आपका, सिस्टर इन लॉ। और जैसा मैंने कहा है आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, माई फादर्स ओनली सन से, माई फादर्स ओनली सन से, राइट। अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल पे ये सब कुछ अवेलेबल है शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है आपका, 19th क्वेश्चन, 90, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया था आपका 23rd क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 24th का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। दोबारा फिर सिलोजिज्म है, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन।
26th का आंसर क्या है? 21. क्या आंसर? 21. और अगर हम इसको इसकी बात करें, 24 हैंडशेक्स. अब वो क्या कह रहा है कि जब अपोजिट सेक्स मिलता है तो वो हैंड को शेक करते हैं, और अगर सेम सेक्स मिलता है तो वो करते हैं हग. तो अब आपका 24 हैंडशेक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर सपोज हम माने कि दो बंदे हैं, दो मैन है और 12 क्या है, वुमेन है, तो इसका मतलब हर एक आदमी क्या करेगा? 12 महिलाओं के साथ हैंडशेक करेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है? हर एक बंदा जितने अपोजिट सेक्स है उनके साथ वो करेगा. तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो क्या बनेगा? 4 × 6. 4 × 6 मतलब क्या है? 4 कोई भी अगर मैन मानने है तो वुमेन कितनी होंगी? 6. और ये आपस में क्या करेंगे? हग करेंगे. उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? NC2, राइट? और NC2 को सोल्व करने का तरीका क्या है आपका? जो n माइनस वन है उससे लेके प्लस कर दो. जैसे 4 से 2 निकालना है आपने, तो क्या करेंगे? 3 + 2 + 1. 3 और 2 5 और 1 6. और ऐसे ही आपका अगर आपने 6C2 निकालना है तो ये क्या करोगे आप? 5 + 4 + 3 + 2 + 1. 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 1 15. अब आंसर क्या आया आपका? 15 और 6 21, राइट? नेक्स्ट था आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आया आपका? ऑप्शन डी, राइट? नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग से, और इसका आंसर क्या आया आपका? बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है? सी क्वेश्चन, सी आंसर आया. नेक्स्ट फिर कोडिंग डिकोडिंग है, और उसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन. 31st का आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन. नेक्स्ट 32 का आंसर क्या है? 45 years and 15 years. नेक्स्ट 33rd, ये भी आपका कहाँ से था? सिलोजिज्म से, और इसका आंसर क्या है आपका? डी ऑप्शन. नेक्स्ट इज योर 34th क्वेश्चन, और 34th में आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए. क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट 35 का आंसर क्या है आपका? 35 का आंसर है आपका बी ऑप्शन, राइट? सिलोजिज्म से है. नेक्स्ट इज 36 क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज 37 का आंसर भी क्या है? ए ऑप्शन. ये भी आपका कहाँ से है? सिलोजिज्म से. नेक्स्ट फिर सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? ऑल फॉलो. नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन, और जिसका आंसर क्या है आपका? सिक्स मीन्स सी ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका 40th क्वेश्चन, और ये क्या आपका? ये सामने सामने कोडिंग है इसकी, इसके साथ जैसे एस का कोड रहेगा आपका ए. नेक्स्ट इज योर्स 41st क्वेश्चन, एंड इसका आंसर क्या था आपका? ऑप्शन बी. फोर्टी टू क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी. नेक्स्ट है 43rd का आंसर क्या? ऑप्शन सी. 44th क्वेश्चन, ये आपका कहाँ से आया? इन इक्वेलिटी जो आपका चैप्टर होता है, जैसे बैंकिंग में आता है ये बेसिकली. और 44th का ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन. 45th का है बी ऑप्शन. ये बेसिकली कैसे करना था आपको? एक्स स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, कॉपीराइट स्टैंड्स फॉर नॉट लेस देन, मीन्स
ग्रेटर देन इक्वल टू, और डिवाइड किसके लिए स्टैंड कर रहा है आपका, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट फाइव स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, प्लस स्टैंड्स फॉर नॉट ग्रेटर देन मीन्स लेस देन इक्वल टू, और डेल किसके लिए आपका, लेस देन के लिए, राइट। फोर्टी सिक्स्थ का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन, 47th का सी ऑप्शन, 48th का पॉइजन, पॉइजन एंटीडोट, एंटीसेप्टिक किसके लिए होता है, जर्म्स के लिए, जैसे आई विंक करेगी तो हार्ट क्या करेगा, थ्रोब। नेक्स्ट है आपका सिलोजिज्म, 50th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 52 का ऑप्शन डी। 53 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। 54th का ऑप्शन डी। 55 का ऑप्शन सी। 56 का ऑप्शन सी। फिफ्टी सेवन डी, 58 बी, 59 ए, 60th ए, 61 सी, 62 डी, 62 डी। ये जो आपकी डायरेक्शन है 63 to 67 की आपकी पजल, और इसका आंसर क्या आपका, 63 का ए, 64 का बी, 65 का डी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का सी, 69 का बी, 70th का डी, 71 का बी, 72 का डी, और 73 का सी, 74 का ए, 75 का सी, 76 का डी, 77 का सी, 78 का डी, 79 का बी, 80th का सी। एट्टी वन का ए, 82 का बी, 83 का ए, 84 का सी, 85 का ए, 86 का बी, 87th का, ये कंफ्यूजन है इसमें, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। नेक्स्ट 88th का सी, 89th का सी, 90th का ए, 91 का ए, 92 का डी, 93 का सी, 94 का सी, 95 का सी, 96 का बी, 97 का सी, सिडेटिव पेन सोलेस ग्रीफ, राइट। ये क्या है, इसको मिटाने के लिए, और ये क्या है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है सर्कल सर्कमफेरेंस स्क्वायर पेरीमीटर, इसको आएगा रेफ्यूजी, एसाइलम कहाँ किन के लिए होता है, रेफ्यूजी के लिए,
कोर्ट जस्टिस स्कूल एजुकेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी एबीएस को प्रेजेंटेड विद स्टडी एकेडमी सरस्वती एकेडमी फाजिल्का 101 क्वेश्चन का आंसर क्या आपका थर्ड क्या आंसर है थर्ड मालाबार आपको पता ही है यूएसए जापान और इंडिया के बीच में होती है नेक्स्ट आपका तेजस क्या आपका लड़ाकू विमान है अस्त्र क्या है एयर टू एयर मिसाइल है ना और ये क्या है लड़ाकू विमान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अर्जुन आपको पता ही है टैंक होता है बैटल टैंक और धनुष क्या है आपका शिप बेस्ड मिसाइल तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट आपका बीटी कॉटन का आपको पता ही है विवाद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है ना अब इसका आंसर क्या आपका सी ऑप्शन आपको बतानी थी करेक्ट कौन सा है तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है ये फंजाई से ड्राइव होता है और ये किससे हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी चेन राइट इसका आंसर क्या है फर्स्ट एनिमल टू बी क्रिएटेड बाय जीन एडिटिंग पिक 26 ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ एस्क्राइसिया नेक्स्ट विच अमेरिकन मल्टीनेशनल हैज बॉट 77 ये रिसेंट न्यूज है वन वीक पहले गया ना वॉलमार्ट नेक्स्ट अर्थ आर इज अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टू रेज दैट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट इट इज ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है केनिया में राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एक्सेप्ट पटियाला एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल राइट ये रिसेंट न्यूज में था INS कलवरी और ये कहाँ की है इंडियन बिल्ट ये क्या है फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट है फर्स्ट राइट नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन ए के साथ क्या आएगा आपका सेकंड मैक नंबर राइट और आपके जो पारसेक है वो किसकी है डिस्टेंस की है ना लाइट ईयर हर्ज क्या है फ्रीक्वेंसी और डेसिबल किसके लिए है साउंड के लिए राइट ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सेकेंड ऑनली ये क्या आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना हर घर योजना सौभाग्य बिजली है ना सोजो भाग्य बिजली सौभाग्य बिजली स्कीम राइट ये जो बेडू है बेडू किसने डेवलप किया है आपका चाइना ने और इंडिया का क्या है ये नेविक राइट नेविगेशन आईसी 117 का आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आयुष्मान भारत बजट में आई है जिसमें क्या कर रहे हैं वो आपके पर फैमिली 5 लाख रुपीस अमृत किसके लिए है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष में अब इसके बाद क्या आई थी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जिसमें क्या किया था उन्होंने 7 to 11 वैक्सीन कर दी थी मतलब 11 डिसीजेस के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट उसके अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष नेक्स्ट आपका इसरो हैज लॉन्च 100 सैटेलाइट और उसको क्या कहता है कार्टोसैट 2 किस कंट्री ने फर्स्ट सिटीजनशिप प्रोवाइड की है सऊदी अरेबिया ने रोबोट को
नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का कौन है? पीएम। इनके अंडर और क्या आता है? एनडीसी आता है, प्लानिंग कमीशन जिसको अब कहते हैं नीति आयोग, है ना। तीस डिपार्टमेंट्स आते हैं इनके अंदर। इसका ऑप्शन आंसर क्या है? आंसर बी। बाबा बंदा बहादुर सिंह के लिए क्या है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन आपका आंसर बी, 125th का ए आंसर। 126th का क्या आंसर है? लुधियाना। 127th का क्या आंसर है? ऑप्शन सी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। न्यू प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड, माइकल दाइस कैनल। IAFSC आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ से हटाया? मेघालय से। 131 वुआन में गए थे, वुआन। चेयरमैन पंजाब कला परिषद का कौन है? सुरजीत पात्र। कहाँ पे हेल्ड हुई है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इंडिया का, है ना, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। आपको पता ही है कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को, और इसमें किसका मिसयूज किया गया? फेसबुक का, कैम्ब्रिज एनालिटिका। द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट। 137 का क्या ऑप्शन आपका? सेकंड एंड फोर्थ, राइट। सत्यपाल किचलू, और फोर्थ क्या आपका? इन्होंने वापस कर दी थी। अभी बेसिकली आपका थर्टीथ का आंसर क्या आएगा? आपका आंसर सी। 139th का आंसर बी। कंसोलिडेटेड फंड से पार्लियामेंट की चाहिए होती है, राइट। 140th का आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। 141 का आंसर डी। 142 का आंसर आपका सी। 143rd का सी। 144th का सी। दादाभाई नरोजी, अन ब्रिटिश रूल, ये किसने लिखी थी? दादाभाई नरोजी ने। नेक्स्ट आपका आंसर बी। 46th का आंसर क्या है? डी। 47th का ए। 148 का बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, राइट। 150th का आंसर क्या है आपका? इट इज इन डाउट, बट सी ऑप्शन। 151 का ए ऑप्शन। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? हैबिचुअल जोन देख रहे हैं स्टार्स के आसपास, तो इसलिए क्या आंसर आएगा? अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। 152 का आंसर क्या आपका? आंसर ए। 153 का फर्स्ट ओनली। 154 का ऑप्शन नंबर ए। 155 का अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। 160 56th का गया है
ऑप्शन ए, क्रिप्टो प्रोहिबिशन इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट एन इंपीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम ज्यूरिस्डिक्शन और एक्टिंग कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 157 का आपका बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 158 का क्या आपका ऑप्शन बी। 159 का क्या ऑप्शन सी। 160th was launched in response to Cripps proposal, right? Next आपका 161, और इसका आंसर क्या आपका the Rolt Act aimed at imprisonment without trial and the procedures for trial। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने जो पीपीएससी का लास्ट टाइम आया था कोऑपरेटिव के लिए, उसमें हमने ये अच्छे से डिस्कस भी किया था पहले, और उसी से 3-4 क्वेश्चन आए हैं डेफिनेटली, राइट। नेक्स्ट 162 का क्या था आपका ऑप्शन डी। आपको पता ही है रशिया होल्ड कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप, और पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन। 164 का आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। तेंदुलकर कमेटी किसके लिए थी, पावर्टी के लिए, राइट। अब 165th का क्या आपका ऑप्शन डी। 166th का ऑप्शन डी। वैसे बेसिकली नबार्ड का जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो अब 100% हो गया, जैसे RBI से 30,000 करोड़ में खरीदा था, ये आपका IBPS PO का क्वेश्चन है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन डी, अदरवाइज 100% स्टेक है। 167th का क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, ये भी आपके डाउट में है। नेक्स्ट आपका 162, इसका आंसर आपका ए। 169 का आंसर क्या आपका आंसर बी, राइट। मसाला बॉन्ड कहाँ पे है, क्या होता है आपके मसाला बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है ये, और इसमें आपकी बेसिकली रिस्क किसके पास रहती है, इन्वेस्टर्स के पास, बोरोअर के पास नहीं। जैसे आप स्टॉक मार्केट पे जाके बोरो करते हो मनी, तो आपकी कंपनी के साथ आपकी रिस्क नहीं है, रिस्क किसके साथ रहती है इसमें, इन्वेस्टर्स के साथ। और बेसिकली जो ये थर्ड ऑप्शन है ना आपका, ये भी अब अलाउ कर दिया है RBI ने, पहले क्या था कि इनको अलाउ नहीं कर रखा था, तो प्रेजेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी ही बैठता है, राइट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, और जिसका आंसर क्या आपका ऑप्शन बी। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी ABS फॉर योर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एंड आपके जितने भी आंसर की आती है पंजाब से रिलेटेड एग्जाम्स की, तो हम सबसे पहले अपलोड करेंगे। थैंक यू।